सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अथर्व फाउंडेशन ने ये जो महान कार्य उठाया है, जो हमारे जो हमारी जो सेना के जो मार्टर्स हैं उनके प्रति उनको सम्मानित करना, उन्हें याद करना, ये मेरे हिसाब से बहुत ही महान कार्य है जो उन्होंने उठाया है, और इसके लिए मैं हमेशा इनके लिए मैं उपस्थित रहूँगा। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो हमारे जो सैनिक हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा की है और जिन्होंने अपने प्राणों को न्योछावर किया है, ये जो एक जज्बा है हम हिंदुस्तानियों को नहीं भूलना चाहिए, हमें याद रखना चाहिए। देखिए, जो संतरी पर, जो सरहदों पर जो हमारे जो सिपाही हैं, जो हमारी रक्षा कर रहे हैं, वे अपनी नींदें ख़राब करते हैं, वो अपनी नींद ख़राब कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं, वो पूरी रात रात भर जागते हैं, उन इस बुरी कंडीशंस में रहते हैं, -40 डिग्रीज -80 डिग्रीज टेम्परेचर में रह के काम करते हैं, इसलिए वे हमारी रक्षा करते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सकें। अनसंग हीरो को पर्दे पे लाना, शॉर्ट रिसर्च करना, अथर्व फाउंडेशन के लिए हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत बात है। देखिए, ये हमारे अनसंग हीरोज़ जो हैं ये रियल लाइफ हीरोज़ हैं, हम तो रियल लाइफ के हीरोज़ हैं। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क है। रियल लाइफ में आपके रीटेक्स भी हो सकते हैं, आप बार बार रीटेक्स दे सकते हैं, पर वहाँ पे सरहद पे कोई रीटेक नहीं होता। हाँ जी, मैं भी बताऊँ, मैं यहाँ पे त्रिवेणी सिंह, लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह की कहानी आज लोगों को सुनाने वाला हूँ। बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही इमोशनल कहानी है। एंड मैं स्पेशली जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे जो हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं, आजकल के बच्चों ने कोई वॉर नहीं देखी, उन्होंने वॉर नहीं देखी है। बिकॉज मुझे याद है कि 1948 में सबसे पहला हिंदुस्तान पे हमला हुआ था, वो कबायलियों द्वारा, पाकिस्तान ने फर्स्ट एग्रेशन वॉज इन 1948। उसके बाद में फिर इंडो चाइना वॉर हुई थी 62 में, फिर इंडो पाक वॉर 65, देन 71 वॉज दी बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी की जो हमारे अगेन पाकिस्तान से हमारी वॉर हुई थी, उसके बाद फिर कारगिल का हमारे पे अटैक हुआ उसके बाद। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, वो हम पर प्रॉक्सी वॉर पिछले 25-30 सालों से लड़ रहा है, इंसर्जेंसी द्वारा हमारे देश में घुस के, स्लीपर सेल्स द्वारा हमारे देश के सदस्य बनकर, नागरिक बनकर, हमारी सीमा का उल्लंघन करके, हमारी LOC क्रॉस करके हमारे देश में घुस के वो कंटिन्यूस एक वॉर लड़ रहा है, जो हमारे बम्बई में या पूरे देश भर में बैठे नौजवान शायद नहीं जानते। हर रोज़ कोई ना कोई हमारा सैनिक, हमारा सिपाही शहीद होता है, किसके लिए? हमारी सुरक्षा के लिए। तो हमें कृतार्थ होना चाहिए उनके प्रति, उनके जज्बे के प्रति। देखिए, जब एक कोई सैनिक मरता है तो न केवल वो मरता है, एक माँ अपना बेटा खोती है, एक बाप अपना बेटा खोता है, एक बच्चा अपना पिता खोता है, एक बहन अपना भाई खोती है, एक बीवी अपना हस्बैंड खोती है। तो वी मस्ट बी टोटली विद देम, और हमें ये जज्बा जो है एक देश पर अपने जानों को, अपने जीवन को बलिदान करने का, अपने आप को निछावर करने का, इट्स अ फैंटास्टिक फीलिंग, और मैं नतमस्तक हूँ। मैं उन्हें, ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। वो जब कल आएगा वो उसकी बात कल करेंगे, आज हम जिस काम के लिए आए हैं हम उसी की बात करना चाहेंगे। धन्यवाद। अथर्वा मैम, अथर्वा फाउंडेशन, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। मैडम नीचे बैठ जाओ। एक काम कीजिए, कौन है ये? हाँ। आप छोड़ दीजिए। इनको दे दो ना। हो गया? सबका हो गया? डुअल कैमरा? देख ले भाई, देख ले। आज की शाम बहुत ही यादगार शाम है, जिन वतन परस्त जांबाज सिपाहियों ने वतन की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा बहाया, शहादत का दर्जा हासिल किया, वीरगति पाई, उन्हें आज हम लोग याद कर रहे हैं। और जितना हम उन्हें याद करें, जितना उनके विषय में बात करें, उतना ही कम है। इससे बड़ी कुर्बानी
जान की कुर्बानी से बड़ी कोई भी कुर्बानी दुनिया में नहीं होती है। तो उन्होंने अपनी जान गंवाकर, उन्होंने सरहदों पर जाग जाकर हमारी हिफाजत की है ताकि हम अपने घरों में आराम कर सकें, सो सकें। तो मैं उन्हें नमन करता हूं, उनके आगे अपना सर झुकाता हूं, और उनके परिवार भी आए हैं। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा कर्तव्य है कि जो उनके परिवार हैं, हमें उन सबकी देखभाल करनी है, हमें उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लेनी है, ये हमारा काम है। उन्होंने हमारा सबसे महान काम किया अपनी जान देकर, हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है उनके परिवारों के प्रति। मैं सुनील राणे जी को बधाई देता हूं, आज उन्होंने इस कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया है, और ये हर साल होगा प्रोग्राम। यही कहूंगा कि जुनूने हुब्बे वतन का मदा शबाब में है, जुनूने हुब्बे वतन का मदा शबाब में है, लहू में फिर ये रवानी रहे, रहे ना रहे, वतन हमेशा रहे शाद काम और आबाद, वतन हमेशा रहे शाद काम और आबाद, हमारा क्या है अगर हम रहे, रहे ना रहे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और उन्हें जो याद किया जा रहा है उस पर मैं ये कहूँगा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाशी निशान। आज का जो इवेंट है वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, इसके लिए मैं सुनील राणे जी को शुभकामनाएं देता हूं। और इस कार्यक्रम में मुझे हिस्सा, मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, और मेरी शुभकामनाएं सबको, धन्यवाद। मैं सुजीत सिंह, सुजीत सिंह की स्टोरी मैं बोलने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो, आप सुनिएगा। थैंक यू, थैंक यू। पुष्कर, बस ये मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया जो समारोह है, और मैं अपने आप को बड़ा धन्य समझता हूँ कि मुझे इस समारोह में शामिल होने का मौका मिला है। जो हमारे शहीद सोल्जर्स हो गए, उनके फैमिली को सम्मानित करने के लिए ये जो हर साल ये फंक्शन रखा जाता है, और मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, पिछले साल भी ये हुआ था, मैं आज पहली बार आया हूँ, और वाकई में बहुत गर्व से अपना सर ऊंचा हो जाता है जब इनके बलिदान के बारे में हम सुनते हैं। तो वाकई में इनकी वजह से हम आज हम अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो इनको हम जितना सैल्यूट करें उतना कम है। सॉरी सर, नहीं वाकई में ये बहुत ही काबिल तारीफ जो काम कर रहे हैं सुनील राणे जी और इनका अथर्व फाउंडेशन जो है, कि ये कई ऐसे जो शहीद है, सोल्जर्स है, जिनके बारे में आम जनता को इतना पता नहीं चलता है, तो उनको ढूंढ के लोगों के सामने ला करके उनका जो बलिदान है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता पड़े, और तब जाके हमको पता चलता है कि उन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर हमारे देश की रक्षा के लिए आज कितना बड़ा बलिदान दिया है। आज मेजर मोहित शर्मा जी की स्टोरी में नरेट करने वाला हूँ। अब वैसे तो अथर्व फाउंडेशन ने थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, उसके बाद फिर
नेट पे जाके मैंने भी थोड़ा अपनी ओर से थोड़ा सा देखा जाना उनके बारे में, और वाकई में थोड़ा इमोशनल हो गया था मैं जब हम जानते हैं कि ये अपनी जान की कितने यंग एज में, शायद आई थिंक 30 साल की उम्र में ये शहीद हो गए हमारे देश के लिए, और हर क्षेत्र में ये अव्वल थे। घुड़सवारी में बहुत अच्छे स्विमर भी थे और बॉक्सिंग में भी बहुत आगे थे, और वन पैरा स्पेशल फोर्सेस के वो पैराशूट रेजिमेंट के वो हिस्से थे। तो ये वाकई में इतने होनहार, इतने अच्छे जिसे कहते हैं कैडेट, और आज ये मिल्टन्स के मुठभेड़ में वो शहीद हो गए, तो वाकई में गर्व से बहुत सर ऊंचा हो जाता है उनके बलिदान के बारे में पढ़कर और सुनकर। शो के बारे में मैं समझता हूँ कि ये सही मौका नहीं है, यहाँ हम ये शहीदों को सम्मानित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो हमारे शो के सामने तो ये बहुत बड़े वीर है, हम लोगों को हंसाते हैं, लेकिन ये वाकई में असली हीरोज़ तो यही है। थैंक यू।